भ्रष्टाचार मामले में ईडी के समक्ष पेश हुए चर्च ऑफ साउथ इंडिया के बिशप। चर्च ऑफ साउथ इंडिया CSI के बिशप ए धर्मराज जरसलाम चर्च के करकोणा मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के सिलसिले में बुधवार को कोच्चि में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समक्ष पेश हुए। तिरुवनंतपुरम कोच्चि चर्च ऑफ साउथ इंडिया CSI के बिशप ए धर्मराज जरसलाम चर्च के करकोणा मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के सिलसिले में बुधवार को कोच्चि में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समक्ष पेश हुए। बिशप मंगलवार को ईडी द्वारा अपने समक्ष पेश होने के लिए जारी किए गए नोटिस के बाद बुधवार को पूर्व 11 बजे कोच्चि के ईडी कार्यालय पहुंचे। बिशप मंगलवार को इंग्लैंड में आयोजित होने वाले लैम्बर्ट सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे थे, किंतु उन्हें हवाई अड्डे पर ही रोक लिया गया। चर्च से जुड़े सूत्रों ने बुधवार सुबह को बताया कि बिशप दिन में एजेंसी के सामने पेश होने के लिए पहले ही कोच्चि पहुंच चुके हैं। मंगलवार को चर्च के एक अधिकारी ने कहा था कि बिशप लैम्बर्ट सम्मेलन में भाग लेने वाले थे, जिसे कैंटरबरी के आर्क बिशप द्वारा बुलाया गया था। यह एंग्लिकन कम्युनियल के बिशपों का एक संगठन है। अधिकारी ने कहा कि बिशप को बिना किसी पूर्व सूचना के हवाई अड्डे पर रोक दिया गया था। ईडी ने मंगलवार को निरीक्षण किया था, लेकिन उन्होंने ये चेतावनी नहीं दी थी कि बिशप को सम्मेलन में भाग लेने के लिए देश नहीं छोड़ना चाहिए। ईडी के करकोणा मेडिकल कॉलेज में संबंधित मामले में सोमवार को चर्च से जुड़े संस्थाओं पर छापामारी की थी। मामला करकोणा में चर्च द्वारा संचालित डॉक्टर सोमेवेरल मेमोरियल CSI मेडिकल कॉलेज में छात्राओं को सीट दिलाने का वादा करके उन्हें कथित तौर पर भारी रकम लेने से जुड़ा है। हालांकि क्रिश्चियन एजुकेशनल बोर्ड के निर्देश फादर CR गॉडविन ने मीडिया से कहा कि इस मामले में अपराध शाखा पहले ही जांच कर चुकी है, जिससे पहले फरवरी में उच्च न्यायालय में करकोणा मामले में चर्च के अधिकारियों को क्लीन चिट देने का अपराध शाखा की रिपोर्ट खारिज कर दी गई है।